हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीटीएस स्टडी बाय सौम्य अग्रहरी आज मैं आपको क्लास सिक्स का सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट की फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी लेट्स स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस का ये जो यूनिट वन है ये फर्स्ट चैप्टर में इस डाइवर्सिटी uh, है यूनिट वन में बहुत सारे यूनिट्स है इसमें और नेशनल एंथम ऑफ इंडिया नेशनल फर्स्ट पेज में दिया हुआ है जो कि आप लोगों को पता है जनगण मन के बारे में ठीक और एक छोटी सी चीज है यहाँ पे जनगण मन वॉज ट्रांसलेटेड बाई गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रॉम बेंगोली टू इंग्लिश इन फेब्री 1919 एट मदनपल्ली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तौर अच्छा ये जो जनगढ़मन लिखा गया था पहले बंगाली में लिखा गया था फिर बाद में से ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश और हिंदी में कि आप आगे देख सकते हो ठीक पढ़ सकते हो इसे हम चैप्टर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है और हम लोग आज इसे समझेंगे डाइवर्सिटी आखिर होती क्या है किस क्या चीज़ है जो डाइवर्सिटी मतलब वर्ड आया और इन सब के बारे में पढ़ेंगे अच्छा इसमें कुछ स्टोरी भी दी हुई है इस चैप्टर में जो कि समरी मैं आपको बता दूंगी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं ये जो पिंक पिंक लिखा हुआ है इससे स्टार्ट करते हैं लुक अराउंड यू इन द क्लास रूम डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू अच्छा होता क्या है अगर आप अपने क्लास रूम में इधर उधर नज़र डाल के देखोगे तो क्या आपको सब सेम दिख रहे हैं Exactly आपके जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये इस चैप्टर में यही बताएगा आपको कि हम लोग कैसे दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं। ओके okay? तो जैसे आपके जैसे आपके क्लासरूम में है कोई लड़का दूसरे रिलीजन का है दूसरे धर्म का है उसका बैकग्राउंड अलग है आपसे बिल्कुल हर उसका रहन सहन हर उसका रहन-सहन अलग अलग होगा, होगा, चीज़ में वो एकदम जैसे ही नहीं होते अलग अलग लोग ही आपको दिखेंगे चारों तरफ आप देखोगे घर में भी देखोगे तो उसका फेस अलग होगा उसका खाने का तरीका अलग होगा बहुत सी सारी चीजें हैं जो सब कुछ अलग अलग होगा ओके and all these different people who came from all kinds of background and belongs to all kinds of religion and cultural एंड कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स है हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं अलग अलग क्योंकि इंडिया में ही आपको सिर्फ़ डाइवर्सिटी दिखेगी इतनी सारी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है दिखेगी इंडिया में यहाँ पे हर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं जैसे कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग तरह के लोग दिखेंगे वहाँ का खान पान वहाँ का रहना रहन सहन सब कुछ अलग होगा हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बहुत सारे यहाँ पे धर्म भी हैं तो इस तरीके से हमारा इंडिया पूरी तरीके से डाइवर्सिटी ही शो करता है ओके व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ हाउ डेड इंडिया बिकम लाइक दिस

ये तीन पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो कि अलग-अलग तरीके के पेंटिंग बना, ये आपके ही स्टैंडर्ड के बच्चों ने बनाया है 6th क्लास के देखो ये एकदम अलग है इसकी पेंटिंग एकदम अलग है इसकी पेंटिंग एकदम अलग है तो इस तरीके से ये भी डाइवर्सिटी ही शो कर रहा है तो ये जो आपको ब्लैंक दिया हुआ है ना इसे आपको फिल करना है और आपको अपने तरीके का कुछ भी बनाना है कोई इंसान ही बनाना है तो इससे पता चलेगा कि आप भी इन तीनों से अलग ही बनाओगे तो वो भी डाइवर्सिटी शो करेगी ओके okay. और यहाँ पे कुछ देखो ये कुछ एक्टिविटी है जैसे कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ वेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग अच्छा जब आप बाहर जाते हो तो आप क्या पहन के जाओगे ये आप लिखेंगे फिर दूसरा लड़का दूसरा कुछ पहन के जाएगा तो इस तरह सब कुछ अलग अलग कपड़े निकल पहन के बाहर ही निकलते हो ना इस तरह अलग अलग डाइवर्सिटी है एट होम आई स्पीक इन अब घर में कौन क्या बोलता है किस तरह की इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता है कोई हिंदी में बात करता है कोई इंग्लिश में बात करता है कोई जो भोजपुरी का होगा भोजपुरी लैंग्वेज कोई साउथ इंडियन होगा तो साउथ इंडियन लैंग्वेज यूज करेगा कोई बंगाली होगा तो बंगाली यूज करेगा इस तरीके की, की भी डाइवर्सिटी देखी जा जा सकती है माय फेवरेट स्पोर्ट इज सबका अलग अलग स्पोर्ट्स भी है ठीक आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट कोई किताब कौन सी पढ़ना पसंद करता है किस तरह की उसे बुक्स पसंद है इसमें भी डायवर्सिटी देखी जा सकती है नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर answers is there anyone whose list matches your exactly probably not but many of you may have similar answers how many like reading the same kind of books how many different languages are spoken by the students in your class such my different similar

तो यहाँ पे दो लड़के हैं जो कि एक लड़का जो है वो पेपर बेचता है अखबार बेचता है न्यूज़पेपर और एक लड़का जो कि साइकिल से डेली उसी रास्ते से निकला करता था जहाँ पे वो पेपर वाला बेस, लड़का बेस, पेपर, पेपर पेपर चलाता था ठीक तो एक दिन क्या हुआ कि जब सिग्नल आया तो साइकिल वाला लड़का रुक गया और पेपर वाले लड़के ने उसे बोला कि मतलब उसने सोचा कि उसे इंग्लिश पेपर देने लगा जो छोटा लड़का था वो साइकिल वाले लड़के को इंग्लिश पेपर देने लगा तो हिंदी जो साइकिल वाला लड़का था उसने कहा क्या तुम्हारे पास हिंदी के हिंदी का पेपर है तो अब वो लड़का उसे देखने लगा सोचा हिंदी का पेपर तो वो पेपर वाले लड़के ने बोला कि हां है तो उसने कहा कि क्यों आप हिंदी पेपर क्यों पढ़ना चाहते जब उसने हिंदी पेपर मांगा तो बहुत आश्चर्य हो गया कि अरे हिंदी पेपर तो उसने तो दे दिया कहा हाँ हिंदी पेपर है तो उसने जो साइकिल वाला लड़का था उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ तो उसने जो पेपर वाला लड़का था उसने कहा कि मुझे आप अंग्रेज जैसे दिखते हैं तो इसलिए मुझे आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं तो वो साइकिल वाले लड़के ने कहा कि हिंदी मुझे मैं हिंदी बोलता हूँ मैं लिख सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ मेरा हिंदी में मेरा स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट रहा है ठीक वो ऐसे बोलता है और सब्जेक्ट तो पेपर वाला जो लड़का था जो पेपर बेच रहा था छोटा वाला लड़का उसने कहा सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है भैया ये आप मुझे एक्सप्लेन करिए तो उसने फिर बाद में फिर आ, हाँ फिर ट्रैफिक सिग्नल पास होने लगा ट्रैफिक आने लगा पीछे से और साइकिल वाला लड़का चला गया फिर नेक्स्ट डे फिर से वही चीज़ हुई और पेपर वाले लड़के ने साइकिल वाले लड़के से पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है तो उसने बताया पेपर दिया और पेपर देने के बाद बोला अखबार देने के बाद बोला कि ये सब्जेक्ट क्या होता है तो उसने बताया साइकिल वाले लड़के ने और इसके बाद फिर जब उसने पूछा कि आपका नाम क्या है तो जब उसने साइकिल वाले लड़के ने उससे नाम पूछा पेपर वाले से तो उसने कहा कि मेरा नाम समीर है तो साइकिल जो पेपर वाला लड़का था उसने भी पूछा कि आपका नाम भैया क्या है तो उसने उसका भी समीर निकला तो दोनों के नाम जो थे वो सिमिलर था साइक उसका भी नाम समीर था और साइकिल वाले का भी नाम समीर था एंड देन आई सेड व्हाट इज आई यस आई एट Him. it is another name for Hanuman's father, you you know. So now you are Sameer and I am जो paper वाला लड़का था उसने कहा समीर मैं समीर एक आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ तो दोनों लोग हंसने लगे और फिर इसके बाद हाथ मिलाया उन्होंने इस तरीके से फिर बाद में जब आगे मतलब नेक्स्ट डे आया तो नेक्स्ट डे उसने बताया कि मतलब पूछा कि उसके बहुत सारे मतलब जो उसके माँ बाप हैं वो मेरठ में रहते थे और मेनी पीपल आर देयर इन आई लुक्ड एट दाइन इन

फिर उसमें बहुत सारे जो झगड़े वगैरह होते हैं हिंसा मग जो झगड़े लड़ाई झगड़े हुए थे तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे ख़त्म हुए थे कम्युनल रिवॉर्ट में काफ़ी लोग ख़त्म हुए थे तो उसने कहा समीर ने कि मैं मुस्लिम समीर हूँ तो उसने आंसर दिया और इस तरह बताया उसकी आँखें भर आई थी फिर ही वॉज़ नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर नाइदर द डे आफ्टर

सिर्फ हिंदी आती है तो इस तरीके से डाइवर्सिटी डिफरेंट लैंग्वेज सेम नेम होकर भी डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक दूसरे पे तो ये भी कम्यूनि ये भी एक तरीके से डाइवर्सिटी देखी जा सकती है समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड वाइल समीर एक इज़ हिंदू समीर दो इज़ अ मुस्लिम डिफरेंट रिलीजनस एंड अ कल्चर बैकग्राउंड सच एज दिज आर एट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी समीर एक और समीर दो जो हैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग धर्मों से आते हैं एक जो समीर एक है वो हिंदू है और समीर दो जो है वो मुस्लिम है ओके डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से डाइवर्सिटी इसमें देखी जा दे सकती है ठीक

And Samir though did not have the opportunity to attain.

और कुछ के पास बहुत सुख सुविधा होती है स्कूल भी जाते हैं इस तरीके से भी डाइवर्सिटी देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे इस स्टोरी में समीर दो स्कूल अटेंड नहीं कर पाता है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो इस तरह डिफरेंस डायवर्सिटी देखी जा सकती है नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वैलिटी इनक्वैलिटी कम्स अबाउट वेन अ परसन डजेंट है रिसोर्सिस एंड ऑपरचुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन अच्छा हम इसे डिफरेंस नहीं कह सकते मतलब इनक्वैलिटी कह सकते हैं इन इक्वल मतलब कि जैसे अलग अलग जैसे कुछ पर्सन के पास कुछ रिसोर्सेज हैं रिसोर्सिस मतलब वो सुख सुविधा है वो अवसर है स्कूल जाने का किसी के पास नहीं है किसी के गरीब बच्चों के या कुछ किसी के घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते

कोई दूसरी कास्ट का हो गया कोई ब्राह्मण हो गया कोई कास्ट हो गया कोई छत्री हो गया इस तरह अलग अलग आप देखोगे ये सब इनक्वालिटी का एग्जाम्पल uh, है इसे सोसाइटी में पहले क्या होता था कि अलग अलग ग्रुप जो डिवाइड होते थे समाज में वो अलग अलग काम की वजह से होते थे जैसे कि सो इफ योर जैसे यहाँ पे है सो इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर यू कुड वनली बिकम अ पॉटर नथिंग एल्स दिस सिस्टम वॉज कंसिडर इन जैसे कि कोई बर्तन बनाता है या पॉटर बनाता है पॉट वगैरह तो उसका भी बेटा पॉट ही बनाएगा कुछ और नहीं करेगा तो ये एक तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस था मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है ठीक एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोर्ज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नोन एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइलिटी यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनक्वैलिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स अच्छा यहाँ पर जो मतलब अलग अलग जैसे कि जो लोग जो करना जो जिस फील्ड में है जिस प्रोफेशन में वो हमेशा वही करेगा वो चेंज नहीं किया जा सकता है कुछ और नहीं करेगा अगर बर्तन बना रहा तो वो बर्तन ही उसका बच्चा बनाएगा वो कुछ और के बारे में ना पूछ सकता है ना पता कर सकता है ठीक ऐसा भी इनक्वलिटी की सिचुएशन इस तरह से आने लगी कि जो बेचारे बर्तन बनाते थे जो झाड़ू लगाते थे वो यही काम करते थे वो और प्रोफेशन में नहीं जा पाते थे तो ये सब भी हम इनक्वालिटी के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे ओके

होंगे किस तरीके के फेस्टिवल्स बनाते होंगे ये सब ठीक यहाँ तक कि कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं और लैंग्वेज भी अलग अलग यूज करते हैं और ये देखो कितनी बढ़िया पिक्चर दी हुई है कि एकदम कहानियों जैसी जैसे कहानी हम लोग पढ़ते थे के राजा रानी चमत्कारी टाइप के एंड यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल पीपल एंड इवन गोस्ट अच्छा जब डिफरेंट दिखेगा जैसे लोग डिफरेंट है जानवर अलग अलग हैं गोश्त होते थे तो तभी तो स्टोरी पढ़ने और बनाने में सुनने में मजा आती होगी जब अगर सेम जैसे ही सब देखोगे तो फिर कहाँ स्टोरी बन सकती है कि यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरी और इस तरह से वो इंजॉय करने के लिए स्टोरीज भी बनाते थे मेनी यंग पीपल फील हैप्पी यंगील अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज बहुत जो यंग पीपल थे वो मतलब स्टोरी को पढ़ते थे अच्छी अच्छे स्टोरियाँ और बहुत सारे आइडियाज़ लेते थे ताकि वो और स्टोरीज बना सके बल हो राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन इस तरह जो लोग स्टोरीज लिखते थे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थान से मतलब आइडियाज़ लेते थे जैसे बुक से लिया रियल लाइफ से कुछ इमेजिनेशन करके भी कहानियाँ बनाते हैं और लिखते हैं तो इस तरह होता था ओके साम Have, some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fight and friendship. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor, subdipped into their own childhood memories of school. एंड and and देखो कुछ कहानियाँ जो होती थी वो जैसे एनिमल जो थे वो फॉरेस्ट में रहते थे उनके बारे में कैसे लड़ाई करते थे कैसे फ्रेंडशिप होती थी ये सब के बारे में लिखते थे कुछ राजाओं कहाँ और रानियाँ कैसे रहते थे उनके लव एंड ऑनर के बारे में लिखते थे कुछ बचपन की मेमोरीज में मतलब अलग अलग स्टोरीज आपको मिल जाती है ओके इमेजिन इफ ऑल दीलर एंड राइटर दैट यू है And reeds so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white. Eat the same food, pota maybe potatoes. Took care of the same two animals, for example, the deer and the cat. And to insert in themselves, plate, snake and letters. What kinds of story do you think? वो ट्राई इट अच्छा अलग अलग तरीके का वही बताया है कि जहाँ पे मतलब लोग रहते थे जैसे स्टोरी जो लिखते थे या बताते हैं तो मतलब वो अलग अलग तरीके के लोग हैं जैसे किसी को रेड और मतलब दो रेड एंड वाइट है सेम फूड ये सब भी होता है मतलब यू खाते होंगे सेम दो काइंड एनिमल्स हैं बट उनका रहने का सब कुछ सिमिलरिटी भी हो सकती है और डिफरेंट तो ज्यादा ही होंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डायवर्सिटीजी डिफरेंट लैंग्वेज हैबाउट वी डू मेनी थिंग दैट आर सिमिलर एक्सपेक्ट एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज मतलब हमारी इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटी दिखेगी जैसे कि नॉर्थ का खाना अलग होगा वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी वहाँ की फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हैं वो अलग अलग होंगे अलग अलग धर्म के लोग हैं तो हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है और फिर भी एकता दिखेगी आपको सब में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं ओके हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी अ लिटिल मोर देन टू हंड्रेड ईयर्स एगो एंड Or long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, so people traveled from one part of the world to another in ships or on horses, on camels, or not, or on foot. ट्रेन मतलब तो साल साल पहले 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 बहुत बहुत की बात थी, जब एरोप्लेन बस कार नहीं आए थे तब लोग एक वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते रहे होंगे सिप से जाते होंगे हॉर्से से जाते होंगे कैमल से जाते होंगे या फिर अपने पैरों से जाते होंगे जो कि पैदल यात्रा भी करते होंगे और ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आपको बतानी है कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे लोग कौन कौन डिफरेंट तरीके हो सकते हैं प्रे करने के डिफरेंट लोग जो अलग अलग तरीके की शादियां करते हैं अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ओके okay? ये सब आप इसको फिल करिएगा ऑफ दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू और न्यू प्लेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद एंड बिकॉज इट travel वंस they got to a place place, Some stayed there often for a long time. Many others left their homes because they were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. अच्छा, जब लोग पहले जाया करते थे, तो होता, जैसे नई जगह ढूंढने जाना, नई जगह पे मतलब मतलब करना है। व्यापार करने के साथ जाते थे ना। व्यापार करना हुआ तो वो बहुत दूर दूर जाते थे तो बहुत दूर जाते थे तो अब वहां पे तुरंत तो वापस नहीं हो सकते थे तो वहीं पे वो सेटल हो जाते थे ओके इस तरह वो अपने घर को भी छोड़ देते थे कभी कभी जैसे कि कुछ कुछ सूखा पड़ गया बाढ़ आ गई कुछ जो कैलोमिटीजीज है वो सब आ गई तो इस तरीके से भी वो घर अपना छोड़ दिया करते थे कुछ वर्ग के तलाश में भी युद्ध के लिए भी घर छोड़ दिया करते थे Sometimes as they दे to टू मेक homes होम्स इन न्यू प्लेस पीपल to टू चेंज little लिटिल एंड their time. They have managed to do things in the old ways. So their language, food, magic religions become a mix of the old and the new. And out of this intermixing of cultures comes something new and different. अच्छा लोग जब चेंज होते थे, अपने से जगह दूसरी देखा जाते थे। तो वहाँ पे अब नए लोग हैं। उनकी मतलब कल्चर्स को उनके रिलिजन को उनके म्यूजिक फूड तरीका सब चीज़ को मतलब नए वाले जो वहाँ पे जाते थे वो लोग भी इनसे सीखते थे और ये जो जाते थे वो भी अडोप्ट करते थे अलग अलग मतलब चीजें अलग चीज़ें सब मिक्सिंग हो जाती थी इस तरह से नया एक कल्चर बन के भी आता था इस तरह कल्चर मतलब डिफरेंट दिखता था The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, religion. थर्ड रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज और इस तरह से जब बहुत सारे मतलब डिफरेंट कल्चर होते थे तो वो अपनी लाइफ को भी वैसे ही ए, एक सेप देने की कोशिश करते थे तो इस तरह से नया वो रीजन एक नया मतलब कल्चर डाइवर्स दिखाता था जो कि हिस्ट्री को यूनिक बनाता था, था ओके मतलब एक यूनिक हिस्ट्री हो जाती थी क्योंकि मतलब आप जैसे गए पे पहले एक जैसे एक जैसे लोग 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 रह रहे अगर अगर दूसरे का लोग, दूसरे तरीके तरीके का के लोग अगर आके बस गए उनको उनका रहन सहन खान पान तो वो भी उनसे एक दूसरे से मतलब इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो इस तरह से वो जो रीजन होगा वो एक अलग ही दिखेगा है ना उन आस के एरिया से वो अलग एरिया दिखेगा हर तरीके के लोग तो ये डायवर्सिटी होती है

जो उनके रहन सहन जियोग्राफिकल एरिया को लेकर भी डिफरेंट हुआ करते थे जैसे एग्जांपल ले लो मान लो कि कोई समुद्र के किनारे रह रहा हूँ और एक कोई पर्वत पहाड़ों के किनारे रह रहा हूँ तो उनका तो रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट होगा okay. And again not only do people have different clothing and eating habit, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other गुड्स दैट द नीड होता क्या है कि जैसे जो लोग मतलब जरूरी नहीं उनके रहन सहन ही नहीं उनका मतलब कपड़े खान पान ही नहीं होता था उनके काम भी अलग अलग हुआ करते हैं और सिटीज में अक्सर ये होता है कि वो शहरों में जो लोग रहते हैं वो अपने आसपास के फिजिकल सराउंडिंग को भूल जाते हैं जैसे अब दूध लेना हुआ भैया मिल गई वेजिटेबल लेना है वो भी मिल गई खरीद लाए उसे तो बट गांव के लोग जो होते हैं वो खुद ही बनाते हैं उनके खुद ही गाय भैंस होती है दूध निकालते हैं सब्जी खेत हुआ खेत खेती करते हैं इस तरीके से भी डिफर डाइवर्सिटी है लेट अस ट्राई टू तो अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन

साउथ में है और ये समुद्री एरिया है ठीक आइए पढ़ते हैं ये देख रहे हो ये लद्दाख है पहाड़ों के भी वाओ कितना बढ़िया है ओके लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर इन दिस रीजन डजंट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर लद्दाख मतलब एक मतलब एक डिजर्ट है जो कि माउंटेन में है और ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है ओके इसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बहुत कम ही एग्रीकल्चर पार्ट है और इसलिए वहाँ क्योंकि वहाँ पे ना बारिश तो होती नहीं है हर समय तो का, स्नो कवर किए रहता है और दे आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन मतलब Region, यहाँ पे वही पेड़ होंगे जो यहाँ पे ग्रो कर सकते होंगे ठीक जो पहाड़ी एरिया स्नो फॉल में भी जो झेल सके ऐसे ही पेड़ वहाँ पे होते हैं ठीक फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ लोग वहां पे पानी कैसे पीते होंगे जो लोग समर मंथ में जब मेल्टिंग स्नो होती है तो उस पर भी डिपेंड करते, है, करते हैं करते हैं लोग पेपल हेयर कीप सीप एंड गोट यहाँ पे लोग सीप और गोट को पालते हैं द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पस्मीना वुल दिस वुल्ड पस्मीना सॉल्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी यहाँ पे जो गोट है वो एक इसलिए स्पेशल मानी जाती क्योंकि अच्छा गोट यहाँ की ऐसी गोट नहीं आपको मिलेगी जो ये हमारे तरफ यूपी बिहार में गोट मिलती है बकरियाँ रहती है वैसी बकरियाँ नहीं है वहाँ पे एक अलग बकरी जो कि काफी फारवर होते हैं उनके आप मूवीज में देखेंगे देख लीजिएगा गूगल में तो उसमें से पश्मीना ऊन निकलता है उसको उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोलो लोग पसमीना सॉल्व सुना होगा बहुत महंगा आता है घर में पूछिएगा ठीक द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द गोड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर अच्छा ये वुल को इकट्ठे करते हैं और फिर इसे बेचा करते हैं कश्मीर से बाहर ले जाकर पसमीना सॉल्व आर चीपली वुमेन इन कश्मीर ओके और ये काश्मीर वगैरह में इसको मतलब ओवन किया जाता है पश्मीना शॉल को द पीपल इट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज एंड बटर अच्छा यहाँ पे लोग मीट और मिल्क खाते हैं जैसे कि चीज़ और बटर मिल्क के प्रोडक्ट जैसे चीज़ और बटर को खाते हैं ओके इस फैमिली ओन्स सम गोड्स काउज एंडस यॉक काउज बिंग लद्दाख है जिसके बहुत फर होते हैं आप इसको भी देखिएगा गूगल पे बिल्कुल फर बड़े से होते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं ठीक है बिंगम डिजर्ट मतलब यहाँ पे डिजर्ट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे लोग मतलब ट्रेडर्स वगैरह व्यापार बहुत कम ही करते हैं लोग ठीक है लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट फेयर ऑफ ट्रेडर्स। इट वॉज कंसिडर गुड ट्रेड रूट एट इट हैड मेनी पासिस थ्रू विच कारवाज ट्रेवल टू वॉट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत अच्छा लद्दाख ये मतलब है तो थी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे व्यापार नहीं होता है बहुत ही अच्छा रूट माना जाता है जैसे कि यहाँ पे जो कार, जो ट्रैवल, जो जो कार ट्रैवल ट्रैवल वगैरह करते हैं तो ये इस मतलब तिब्बत जाने के लिए एक अच्छा बहुत ही अच्छा रास्ता माना गया है ठीक एंड दीज रनवल कैरेट टेक्सटाइल एंड सिल्क एंड कार्पेट अच्छा ये जो मतलब जो ट्रैवलिंग करने वाले जो लोग जो व्यापार करते हैं ये सब यहाँ टेक्सटाइल मसाले हो गए और रॉ सिल्क कारपेट्स ये सब भी ले जाते थे उनके बौद्धिज्म रे तिब्बत वाया लद्दाख लद्दाख के थ्रू कॉल्ड लिटिल तिब्बत जब बौद्धिज्म जो है वो तिब्बत पहुँचे किसके थ्रू लद्दाख के थ्रू ठीक लद्दाख के दौल तो लद्दाख जो एक छोटा तिब्बत माना गया है इस्लाम कहा जाता है इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर इंट्रोड्यूसडोर हंड्रेड ईयर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है चार सौ तो साल पहले यहाँ पे मुस्लिम जो इस्लाम धर्म था वो यहाँ पे आ, थे आ, आया और मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे है लद्दाख है वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोयम्स यहाँ लद्दाख में जो गाने और पोयम भी गाई जाती हैं बहुत सारा यहाँ पे काफ़ी रिच ओरल ट्रेडिशन है यहाँ पे लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा केसर सागा इनका एक नेशनल एपिक है तिब्बतन का जो तो कि परफॉर्म होता है और मुस्लिम और बुद्धम दोनों ही गाते हैं अब ये हम लद्दाख के बारे में पढ़ रहे थे ये देखिए यहाँ पे ये जो औरतें बैठी हुई हैं पसमिना सॉल को बुन रही हैं, बना रही हैं। ठीक अब हम केरला के बारे में पढ़ते हैं केरला इज द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर केरला बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट पे है और ये एक तरफ तो ये इसमें समुद्र है एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ पहाड़ बहुत अच्छा एरिया ये राज्य है अ नंबर ऑफ स्पाइस लाइक पेपर क्रोप्स एंड कार्डमोन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स यहाँ पे मसाले की खेती बहुत होती है भैया मसाला यहाँ का फेमस है मतलब आप पहले अंग्रेज जो आए थे ना इसी के इसीलिए आए थे यहाँ पे मसालों के व्यापार के लिए आए थे और फिर हम उनके गुलाम हो गए उनके तो यहाँ पे काली मिर्च हो गई लौंग है इलायची का बहुत बहुत बड़ी खेती होती है बहुत बड़ा मतलब व्यापार

मोहम्मद जो कि यहाँ पे ये यह आए थे और बस गए तो इसलिए इंडिया मतलब यहाँ पे जो तो क्रिश्चियनिटी की जो जो मतलब ये धर्म आया ये यह यहीं से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन भी आके बसने लगे उन्हें लाने का क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है सेंट थॉमस को ये क्रिश्चियन मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन है बहुत सारे अरब व्यापारी यहाँ आए और यहीं पे ही बस गए इबन बतुदा

पुर्तगाल आप मान लो पुर्तगाल जो थे वो इंडिया के मतलब समुद्र समुद्री रास्ते से यूरोप से यहाँ आए थे इंडिया में जब वास्को डिगामा आला है वास्को डिगामा ही पहले यहाँ पे आया था बिकॉज ऑफ ऑल दिज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलिजन जैसे कि में इस्लाम क्रिश्चियनिटी हिंदुज़म बुद्धम यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि केरला में आके रहे मतलब जुद्धिज़म थे म थे क्रिश्चियन थे हिंदू थे हिंदू थे और बुद्धिज्म सब यहाँ पे काफी इन्फ्लुएंस हुए द फिशिंग यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वॉल मतलब ये जो फिसिंग नेट यूज़ हो रही है ये एकदम चाइनीज़ फिसिंग की तरह ही दिखती हैं चाइनीज फिशिंग नेट की तरह जैसे कि चीना वॉल कहा गया इवन द यूटेंशियल यूज फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड द चीना चट्टी एंड इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना ये जो बर्तन यूज होते हैं वहाँ पर तो उन्हें चीना पट्टी के नाम से फ्राइंग के लिए जो फ्राई वगैरह करने के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं उन्हें चीना पट्टी बोला जाता है और वो चीन से भी आया चीन से ही आया होगा ऐसा बोला जाता है

Uh, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. देखो Kerala हमने Kerala और Ladakh के बारे में पढ़ा, तो दोनों different हैं। एक north में है तो दूसरा south में है, ठीक? उसकी geographical area features बिल्कुल लगा के हैं, but पता है similar cultural आ, वहाँ पे जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो सिमिलर है कल्चरल बैकग्राउंड मतलब ये हुआ कि अब जैसे कुछ लोग जो मतलब कुछ जैसे यहाँ पे वहाँ पे भी ट्रेडिशन का बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव सोर्स था यहाँ पे भी है लद्दाख में भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सोर्स था तो इस तरीके से मतलब कल्चरल जो बैकग्राउंड देखा गया वो सिमिलर था बहुत रीजन इंफ्लस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर दोनों रीजन में चाइनीज और अरब व्यापारी आए इट वाज़ द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड एंड दैट ट्रेडर्स टू दिस Um, जो केरला है वो मसालों के लिए फेमस था वहां जबकि लद्दाख में किसका व्यापार था पश्मीना सॉल का तो इस तरह दोनों मतलब हिस्ट्री और जोग्राफी अलग मतलब इनकी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग होते हुए भी ये कल्चरल को एक तरीके से बांधे हुए थे ओके द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चरल इज नॉट ऑफ द पास्ट और आम, Present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, uh, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. देखो अब जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में जो कल्चरल बैकग्राउंड या कल्चरल जो डाइवर्जन दिखा तो वो पास्ट से ही होता आया ऐसा नहीं है आज भी वही हमें डाइवर्सिटी दिखेगी जैसे कि अब हमारे आसपास अलग अलग लोग दिखेंगे अलग अलग, अलग अम, अगर हम अपने मोहल्ले में अगर अपने पड़ोसी को देखेंगे तो वो भी अलग दिखेंगे और अगर हम कहीं जाके बसते हैं कहीं नौकरी के लिए गए या फिर शादी हो गई कुछ के लिए भी गए किसी दूसरे राज्य में गए तो वहाँ की हम धीरे धीरे चीजों को करना शुरू कर देते हैं जैसे वहां का खान पान है पे कैसे लोग रहते हैं हैं कैसे बोल रहे हैं, तो कुछ तो हमारे अंदर आने लगेगा और डायवर्सिटी दिखने लगेगी और हम उसे अडोप्ट भी करने लगेंगे ठीक सिमिलरली इन आवर पार्ट ओन नेबरहुड विलेब्स क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज जो मैंने बताया सब कस्टम और ट्रेडिशन अलग होते हुए भी मतलब डायवर्सिटी ऐसे दिखेगी इन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये बहुत अच्छा वर्ड है कि विविधता में भी एकता मतलब डायवर्सिटी इतनी है फिर भी हमें एकता दिखती है जैसे जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ते हो हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब एक साथ पढ़ते हो ना तो वहाँ पे सब अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं अलग अलग धर्म के लोग हैं फिर भी साथ में फ्रेंड होंगे साथ में खाते होंगे साथ में खेलते होंगे साथ में पढ़ते होंगे साथ में एग्जाम देते होंगे तो इसी वर्ड को मतलब डिफाइन किया है कि विविधता में भी एकता अलग अलग होते हुए भी हम लोग यूनिट हैं ओके इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज है सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इंडिया की जो डाइवर्सिटी है

के थे फिर भी उन्होंने मतलब इनका अपोज किया ब्रिटिशों का अपोज किया एंड इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन दे वांट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश सब लोगों ने मिल के काम किया जेल गए मारपीट हुई मतलब अपोज किया ब्रिटिश के लिए तो मतलब ब्रिटिश से अपोज किया मतलब सब कुछ सब जगह से अलग अलग लोग थे वुमेन औरत मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे और ब्रिटिशों का सब अपोज किया इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थ्रू ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे सोचा ना ब्रिटिश ने की अरे सब अलग अलग है, है इन पे हम रूल आसानी से कर पाएंगे बट दीपल डिफरेंट एंड इन देर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश मतलब बट यहाँ पे क्या हुआ लोग अलग थे डिफरेंट थे बट यहाँ पे एक साथ यूनिट थे एक साथ थे एकता थी उनमे और वो अपोज कर पाए ब्रिटिशों का This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre. इन अमृतसर इन विच ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अन पीसफुल पीपल लाइक मिनी एंड वाउंडिंग एवेन मोर ये जिस सॉन्ग है ये एक जालिया वाला बाग कांड हुआ था जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे कभी हिस्ट्री में तो एक जालिया वाला बाग में ये गाना मतलब उसके बाद जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे यहाँ पे औरत आदमी मतलब जो मैन और वुमेन थे वो एक साथ इकट्ठे हुए थे और यहाँ सभा चल रही थी बट ब्रिटिश तो ब्रिटिश आए और यहाँ पे उनके गोला गोला मतलब गोली वगैरह चलाने लगे काफी लोगों यहाँ पे खत्म हुए मर गए थे और उसके बाद फिर ये गाना गाया गया था एक उसकी याद में तो इसके बारे में भी आप आगे हिस्ट्री में कभी पढ़ेंगे और यहाँ पे जो मेन एंड वुमेन थे यहाँ सब इकट्ठे थे हिंदू सिख मुस्लिम रिच एंड सब एक साथ वो ब्रिटिश का अपोज कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत बेरहमी से सबको मारा था बहुत बड़ा कांड हुआ था ये तेरह अप्रैल 1919 में और तो उसकी उसकी याद में गाना बाद में कंपोज किया था उनकी बहादुरी के लेकर के ओके उनकी याद में ही गाना था सॉन्ग्स एंड सिम्बल ड्यूरिंग रिमाइंडर ऑफ कंट्रीज ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी कुछ सॉन्ग और सिम्बल जो कि मतलब जब फ्रीडम जब हमें आजादी चाहिए थी ऐसा जब संघर्ष से चल रहा था स्ट्रगल चल रहा था तब तब मतलब हमारे यहाँ हम, हम सॉन्ग और सिंबल निकले बनाए गए थे कुछ लिखे गए थे कंपोज किए गए थे डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग इट वॉज यूज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर और इंडियन फ्लैग का यूज किया गया था जो कि ब्रिटिश के अपोज करने के लिए हर दगिन लोगों ने किया था एंड इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट

से ही लोगों में आई और लोगों का जो विश्वास जो यहाँ पे जो कस्टम है इनका मतलब धर्म है ये सब अलग अलग होते हुए भी सब एक थे और ये कोई इम्पोज नहीं किया गया कि मतलब तुम्हें एक रहना है एक रहना है ऐसा नहीं था ये खुद से लोगों में ऐसा आया और इट वाज नेहरू वाज क्वाइंट द फ्रेज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू तो डिस्क्राइब द कंट्री नेहरू जी ने ही जो फ्रेज़ दिया था एक लाइन दी थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए ये बहुत अच्छी और बहुत कुछ कहती है ये लाइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता में एकता कि सब धर्म के हर तरीके से अलग होते हुए भी हमारा देश आज जो एक साथ रह रहा है उसमें एकता है तभी तो हम साथ में रहते हैं तभी तो हम साथ में पढ़ाई करते हैं तभी हम साथ में खेलते हैं ट्रैवल करते हैं नौकरी करते हैं सब एक साथ ही करते हैं क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओके इंडिया नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया और इंडिया का नेशनल एंथम जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर के ने लिखा था क्योंकि बंगाली थे और ये भी एक इंडिया के यूनिटी को एक्सप्रेस करता है ओके तो अब कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप इनको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए ओके, थैंक यू अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी कैसा लगा आज का ये लेक्चर आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए और मैं भी देखूंगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेरे कमेंट में कितनी आती है और ओके okay. इसलिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आपको और प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा प्लीज प्लीज Okay, thank you.